नमस्कार, आप देख रहे हैं मिटकैप बाजार, मैं हूं पल्लवी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं मिटकैप बाजार। आपकी तमाम क्वेरीज हम शामिल करेंगे इस शो में, मार्केट का पूरा एक्शन बताएंगे। और आज एक्शन अच्छा है, आज नई सीरीज की शुरुआत जो है वो अच्छे नोट पर हुई है। मार्केट्स दिन के ऊपरी स्तरों पर अभी ट्रेड कर रहे हैं। अगर निफ्टी को देखेंगे तो 100 अंकों से ज्यादा की बढ़त है और 8068 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। 8000 का पहला बैरियर पार किया आज निफ्टी ने और उसके बाद 8050 का, और अब उन लेवल्स के ऊपर होल्ड भी कर रहा है। उम्मीद यही करते हैं कि इसी स्ट्रेंथ के साथ मार्केट्स कैश क्लोजिंग भी हो। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है, क्या सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट जिस सेक्टर ने किया है या फिर जिस सेक्टर की वजह से सबसे ज्यादा मजबूती आज मार्केट में आई, वो है आईटी। निफ्टी गेनर्स में जो पहले 4 स्टॉक्स हैं, फिर पहले 5 शेयर्स हैं, वो बिलोंग करते हैं आईटी स्पेस को। इंफोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल टेक और विप्रो, ये पांचों ही शेयर्स 3.5% से 5% की बढ़त लेकर दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स आज आईटी इंडेक्स रहा है और आईटी की ओर से स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन आया है। कुछ और स्टॉक्स जो कि परफॉर्म कर रहे हैं उनमें गेल, येस बैंक, ल्यूपिन, सनफार्मा और आइडिया सेलुलर है। यहां भी 3% तक का उछाल आज के सत्र में देखा जा रहा है। आज की स्ट्रेंथ में जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अगर उस तरफ आप देखेंगे तो आज ऑटो की तरफ से पार्टिसिपेशन नहीं आया है। आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो, ये दबाव में ट्रेड कर रहे हैं। टाटा मोटर्स भी 0.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। सीमेंट पॉकेट की ओर से पार्टिसिपेशन आता हुआ नहीं दिखा है। यहाँ भी 1 से 1.25% कमजोरी देखी जा रही है। तो अच्छी ब्रेथ है मार्केट में, शुरुआत आज अच्छी हुई, स्ट्रेंथ को मार्केट अभी तक होल्ड भी कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप, यहाँ पर वापस हमने एक रिन्यूड बाइंग पिछले 2 सेशंस में आती हुई देखी है। और आज भी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स दिन के ऊपर स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। आपकी तमाम क्वेरीज इस शो में हम शामिल करेंगे, हमारे 2 एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहेंगे, धवल पी व्यास और पंकज जैन। सबसे पहले आपको बता देते हैं तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। मिड कैप लिखिए, अपना सवाल लिखिए, उसको आप मैसेज कीजिए 57575 पर। 2 फोन लाइन है जिसके जरिए आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800180355, दूसरा नंबर है 01204258237। फेसबुक के जरिए भी अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक पर जी बिजनेस की पेज पर जाइए और अपने सवाल आप पोस्ट कीजिए। तो शुरुआत करते हैं आपकी क्वेरीज की, और कई सारे सोर्सेज हैं जिसके जरिए आप अब तक अपनी क्वेरीज पहुंचा सकते हैं। चलिए, कई दर्शकों के सवाल हमें मिल रहे हैं फेसबुक और एसएमएस के जरिए भी। लेकिन पंकज, ओवरऑल व्यू आपसे जानना चाहेंगे, रुपी में जो आज हल्की रिकवरी सुबह दिखी और इनफैक्ट खबरें भी थी कल की आरबीआई ने डॉलर्स बेचे हैं, फिलहाल आईटी स्टॉक्स को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है? पंकज, देखो पिछले दिनों जो आईटी स्टॉक्स में गिरावट आई थी, जो एक कंसिस्टेंट गिरावट हमने पिछले 3 से 6 महीने में आईटी स्टॉक्स में देखी है, वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छी हो गई थी, काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हो गई थी। और आई थिंक द फॉल ऑफ रुपी, द स्ट्रेंथ ऑफ डॉलर एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर सम ऑफ द फंड्स, फॉर सम ऑफ द इन्वेस्टर्स टू गेट इनटू दीज स्टॉक्स। और जो यूएस से भी अब खबरें आ रही हैं कि जो आने वाली नई ट्रंप सरकार हो सकती है, वो इतना शायद ज़्यादा नेगेटिव रवैया ना हो टूवर्ड्स द आईटी, टूवर्ड्स द आउटसोर्सिंग, जितना कि मार्केट एक अनुमान कर रही थी। एंड दे कुड गेट ग्रोथ बैक इन टू दैट BFSI सेगमेंट फ्रॉम US। तो उसको देखते हुए और जो एक US डॉलर में जो स्ट्रेंथ आई है उसको देखते हुए, मेरे को लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक वैल्यू पिक हो गए थे। एंड नॉट टू फॉरगेट जो बाकी अट्रैक्टिव सेक्टर्स थे, चाहे वो बैंकिंग को लेके हो, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग को लेके हो, NBFC को लेके हो, ऑटोमोबाइल को लेके हो, उसमें एक रवैया थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव हो गया। एंड पीपल नीड सॉर्ट ऑफ सेक्टर्स टू पार्क देयर मनी, टू डिप्लॉय देयर मनी। सो आई थिंक एक डबल एक इफेक्ट सा देखने को मिला है। एंड दिस जो एक पॉजिटिव शॉट आया है आईटी स्टॉक्स में, दिस कुड कंटिन्यू। और एक ऐसा अनुमान है कि रुपी में भी जो एक टेम्प्रेरी थमाव देखने को मिला है, दिस में भी अ टेम्प्रेरी फिनोमेना। नॉट टू फॉरगेट जो FCNR एग्जिट होना है, जो यहाँ से डॉलर जाना है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट रुपी इन वीक्स टू कम कुड इवन टच 69.50। सो ऑल इन ऑल आई थिंक ऑन अ शॉर्ट टर्म व्यू एक अट्रैक्टिव स्पेस लग रही है आईटी स्टॉक्स में। नियर टर्म के लिहाज से आईटी स्पेस अट्रैक्टिव लग रही है। रुपए भले ही संभल कर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जैसे पंकज ने भी कहा कि FCNR रिडम्पशन जो है वो भी रुपए पर प्रेशर डाल सकता है। और मार्च 2017 तक करीब 38 ऐसी कंपनियां हैं जिनके 100 करोड़ डॉलर्स के FCCBs जो हैं वो रिडम्पशन के लिए ड्यू हैं। तो नजर रखिए, लेकिन नियर टर्म में आईटी बेनिफिट दे सकता है और उस बेनिफिट का रिफ्लेक्शन आज हम शेयर प्राइसेस पर देख भी रहे हैं। क्वेरी शामिल करते हैं, पहले कॉलर सूर्य है हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से बातचीत कर रहे हैं। सूर्य, गुड आफ्टरनून, क्या क्वेश्चन आपका पूछिए? नमस्कार मैम, आई हैव 23 शेयर्स ऑफ हीरो मोटो मैम। ठीक है, और आपका परचेजिंग प्राइस क्या है यहाँ? एट द प्राइस ऑफ मैम 3000। ठीक है, आपको कमेंट्स दिलवा देते हैं। पंकज, क्या व्यू है आपका हीरो मोटो कॉर्प पर? स्टॉक इनके परचेजिंग प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहा है, 50 रुपए के मुनाफा इनको हो रहा है, तो क्या ये छोटा मुनाफा लेकर निकल आए या फिर अभी होल्ड रख सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि डीमोनेटाइजेशन का सेल्स पर हमने इम्पैक्ट देखा है और शायद अर्निंग्स पर भी उसका रिफ्लेक्शन देखे?
देखो एक बार शायद हीरो मोटो से बाहर आने में हर्ज नहीं होगा, क्योंकि जो दो तीन सेक्टर्स होंगे जिसके अंदर एक काफ़ी सीरियस डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट आया है और आने वाले वक्त में लिंगर ऑन रह सकता है, वन ऑफ देम इज़ ऑटोमोबाइल, और ऑटोमोबाइल में भी खासतौर से टू व्हीलर ऑटोमोबाइल, जहाँ पर हम देख रहे थे काफ़ी कुछ एक कैश इकोनॉमी या कैश बेसिस पे सेल्स चलती थी। और पिछले दिनों मैं देख रहा था इवन द टॉप मैनेजमेंट ऑफ हीरो मोटो दे वर टॉकिंग दैट सेल्स हैव फॉलन बाय अबाउट 25-40%, और हम कुछ एक विक्रेता से भी बात की, डीलर से बात की अक्रॉस से डेली मेट्रो, एंड दे वर ऑफ द व्यू दैट द सेल्स हैव ड्रॉप डाउन टू ऑलमोस्ट क्लोजर टू 25-30%। तो इसका रिफ्लेक्शन डेफिनेटली एक क्वार्टर थ्री में देखने को मिलेगा, अगले एक महीने से दो महीने में देखने को मिलेगा, एंड वेदर दिस वुड बी सॉर्ट ऑफ कंपनसेटेड ऑन इमीडिएट बेसिस इन नेक्स्ट टू थ्री मंथ्स, आई हैव माई डाउट्स। सो आई थिंक स्टॉक्स लाइक बजाज ऑटो एंड हीरो मोटो एज ऑफ नाउ अगर कोई निवेश करना चाहता है आई थिंक उसको वेट करना चाहिए, एंड इफ पर्सन हु इज सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टेड ऑन द डाउन साइड एंड मेकिंग अबाउट 100-150 रुपीज इन एब्सोल्यूट टर्म्स, एक बार बुराई नहीं होगी कि हीरो मोटो जैसे स्टॉक से बाहर आया जा सके। मेरे को लगता है कि दोबारा से ये स्टॉक्स जो अपने लोज देखने को मिले थे समथिंग लाइक 29 फॉर हीरो मोटो कुड बी टच्ड अगेन इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। राइट, चलिए अगले दर्शक हैं फोन लाइन पर हमारे साथ, बात करते हैं उनसे। इस वक्त चंचल जुड़े हैं फोन लाइन पर। चंचल गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या सवाल है आपका। मेरे पास गेल के 150 शेयर्स हैं एट द प्राइस ऑफ 450 एंड यू नो आई हैव टाइम फ्रेम ऑफ अबाउट 3-6 months। थैंक यू, दिस इज नंबर 1 एंड नंबर 2 आई हैव मार्केटर अगेन एट 50 रुपीस अगेन फॉर यू नो 200 शेयर्स। डबल इंटरेस्ट दो स्टॉक्स, एक तो गेल और दूसरा मार्केटर। गेल जिन्होंने बताया 450 की इनकी खरीद है, आज के सेशन में ऑल एक्सप्लोरेशन कंपनियों में शानदार तेजी दिख रही है, यहाँ गेल भी इंट्राडे में 4% ऊपर ट्रेड कर रहा है। आपका नजरिया क्या है, इनफैक्ट 3-6 months के लिहाज से क्या टारगेट्स आप इन्हें सजेस्ट करेंगे? दूसरा मार्केटर पर भी इनका सवाल था, 50 रुपीज पर खरीदा है इन्होंने। देखिए गेल की अगर बात करें हम तो बेसिकली एक अच्छा स्टॉक है, कहीं ना कहीं मोमेंटम जो है गैस स्पेस में हमने देखा है अभी इन एडिशन टू OMCs, तो मेरे ख्याल से गेल को आप होल्ड करते रहे वही बेटर रहेगा। अभी तो स्टॉप लॉस अराउंड 385 आप होल्ड करें पूरी क्वांटिटी, ऊपर में अगर 6-7 महीने का भी अगर आपका व्यू है तो ऊपर में 470-485 के जो टारगेट्स हैं आपको मिल सकते हैं गेल में। वंस यू नो 485 इज टेकन आउट, अगर और एक साल उसके बाद आप वेट कर पाए तो वहां पे जो है टारगेट आपके 590 के अराउंड जा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से गेल में आपको बने रहना चाहिए। जहां तक मार्केटर के सवाल है बेसिकली इसमें कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर है इतना अट्रैक्टिव कहेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि फॉल जो है काफी सीवियर हमने देखा है इस स्टॉक में। मेरे ख्याल से एग्जिट ऑन द राइज शुड बी योर स्ट्रेटेजी, ये स्टॉक आपको एक मौका देगा, चांस देगा 41-42 के अराउंड, वहां पे आप एग्जिट कर ले वही बेटर रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक, नेक्स्ट जो क्वेरी हमारे पास वो दीपक की है दिल्ली से। दीपक गुड आफ्टरनून, क्वेश्चन पूछिए अपना। हाँ मैंने श्री पुष्कर लिया हुआ है, श्री पुष्कर केमिकल 132 पे। और आपका टाइम होराइजन क्या है, कितने समय आप बने रह सकते हैं? लॉन्ग टर्म है, 2-3 साल रह सकता हूँ। ठीक है, आपको कमेंट दिलवा देते हैं। हालांकि आज के सेशन में वापस जो केमिकल स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, कल भी ये रुझान था और आज भी वही रिफ्लेक्शन बना हुआ है। पंकज क्या कमेंट्स हैं आपके, डिसेंट प्रॉफिट्स इनको हो रहे हैं क्योंकि परचेजिंग प्राइस 132 का है और स्टॉक 168 पर ट्रेड कर रहा है, ये पूरा ही सेक्टर काफी चला भी है, तो ऐसे में क्या अब मुनाफा समेट कर ये बाहर आ जाए या फिर होल्ड रखे? मेरे को लगता है कि होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम पिछले 2-3 महीने में देखें स्टॉक हैड रैलीड फ्रॉम लेवल्स क्लोजर टू 110-115 टू लेवल्स एज हाई एज 190-195, और बिकॉज ऑफ व्हाट हैज हैपन बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन जो सारे हमने एक सेल ऑफ देखा, इस स्क्रिप्ट में भी सेल ऑफ आया, बट बहुत सीरियस वॉल्यूम्स के साथ सेल ऑफ नहीं आया, एंड आई थिंक काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि स्टॉक कुड अगेन रिकवर बैक। और हमने देखा था कि पिछले दिनों में ऑल दिस केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर रिलेटेड स्टॉक्स में जिस तरह से गतिविधि आई थी, पॉजिटिव गतिविधि आई थी, आई थिंक द मोमेंटम कुड अगेन कम बैक इन टू एक्शन प्रोवाइडेड निफ्टी होल्ड्स अबव दिस 7920-7950 लेवल्स, और जो कि अभी तक ऐसा लग रहा है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक शायद मैं इमीडिएटली रश इन ना करना चाहूँगा, आई वुड स्टिल वेट and seek levels somewhere between 170 and 180 for Shri Pushkar on a short-term basis to exit. So as of now, I think आप इसमें बने रह सकते हैं और हायर लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दोबारा से एक रिटर्न लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बने रहने की सलाह दी गई है आपको श्री पुष्कर, आज के सेशन में ऑलमोस्ट 3% की मजबूती देखने को मिल रही है। विपिन है अमरावती से इस वक्त फोन लाइन पर, गुड आफ्टरनून विपिन, बताइए कौन सा शेयर चुना है आपने? हाँ मेरे पास वेदांता के शेयर है 225 के रेट से 1000। ठीक है, कितने टाइम के लिए आपने खरीदा ये?
ये इंट्राडे के लिए, क्या होल्ड भी कर सकता है उसको? ऑलराइट धवल, क्योंकि एकदम शॉर्ट टर्म का नजरिया इंट्राडे के पर्पज से लिया है, 225 पर इनकी खरीद और उसके आसपास ये फिलहाल 221 का प्राइस देखने को मिल रहा है, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए इंट्राडे के लिए लिया है तो मेरे ख्याल से 219.5 का जो है आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए और आप होल्ड करें, और ऊपर में मेरे ख्याल से अराउंड 315 को जो है आपको 225 के अराउंड मिल सकता है। ओवरऑल स्टॉक ने बेसिकली ऑलरेडी 9% अप मूव जो है इस वीक में दिखा दिया है, तो मेरे ख्याल से अपसाइड जो है फॉर 1-2 डेज इज लिमिटेड। जी चलिए, राय आपको दी गई है। और इस बीच एक खबर आपको बता देते हैं कि टैक्स चोरी साबित होने पर 60% जुर्माना लगेगा। दरअसल पेनल्टी मामले पर सरकार ने जो स्थिति है वो साफ की है। ऐसा माना जा रहा था कि 2.5 लाख से ज्यादा अगर राशि आपने बैंक अकाउंट में जमा की है और उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको आप पर 200% तक पेनल्टी लग सकती थी। ये खबर कल शाम आई थी और अब इस पर सरकार की ओर से थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ये साबित हुआ कि आपने टैक्स चोरी कर ये पैसा बचाया है तो उस पर 60% तक पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टी मामले पर सरकार की ओर से सफाई आई है। मार्केट्स दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं और 1% से ज्यादा की बढ़त अभी निफ्टी में देखी जा रही है, डे हाई पर 8074 के लेवल्स पर।